हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मिंत्रा से मैंने मंगवाए हैं ब्यूटीफुल से हैंडबैग्स। जी हाँ, मेरे पास हैंडबैग्स बहुत सारे नहीं हैं, इसलिए मैं मंगवाई हूँ बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाले। मुझे एक्चुअली हैंडबैग का चस्का लगा था मेरे इस बैग से। इसे मैं बड़े वाले स्लिंग के साथ यूज़ नहीं करती हूँ, हैंडबैग मतलब सिर्फ हैंडबैग, इसीलिए ये छोटे छोटे साइज़ के मैं मंगवाती हूँ। साइज़ इसका बिल्कुल परफेक्ट है, फ़ोन वगैरह लिपस्टिक वगैरह आपके आराम से आ जाएगी, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले यही वाला बैग शेयर कर देती हूँ, ये एलन सोली ब्रांड का होने वाला है अंदर से, ताकि इसकी स्पेस ख़राब ना हो, इसकी लुक ख़राब ना हो। मैं हमेशा इस तरीके का एक बॉक्स इसमें डाल के रखती हूँ। ये आप देख सकते हो इसका साइज़। फ्रंट में आपको कार्ड वार्ड रखने के लिए जगह मिल जाती है, बैक साइड पे आपको यहाँ पर जिप मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको एक पॉकेट मिल जाती है। इसकी लुक बहुत ज़्यादा क्लासी मुझे लगती है। वैसे इसके साथ एक बड़ा वाला चेन भी आया है, बट मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ, इसे मैं एज अ सिंपल हैंडबैग यूज़ करती हूँ। वाइट कलर का ये होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आज मैंने ऐसे ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से हैंडबैग्स मंगवाए हैं, तो अगर आपको हैंडबैग्स का शौक है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। 6 के 6 हैंडबैग्स के लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकेंड शेयर करती हूँ, ये आप देखो, ये एक बहुत ही प्यारा सा ना पीच कलर का होने वाला है, ब्यूटिफुल लुक है इसकी। इसे आप एज अ हैंड बैग भी यूज़ कर सकते हो, इसे आप एज अ शोल्डर बैग भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारी लुक है, और मतलब इनकी जो लुक है ना, ये काफ़ी मेंटेन रहती है ये प्लास्टिक वगैरह की वजह से। ये देखेंगे आप यहाँ पर लोगों में भी पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है, सेम चीज़ इसमें भी हुई थी। तो जिस दिन मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया उसी दिन मैंने हटाया। मैं पहले ये सब चीज़ें नहीं हटाती हूँ, ताकि क्या होता ना, जब मैं इसे यूज़ करूँ तो वो नई वाली फील आए। पहले ही हटा दूँगी तो वो नई वाली फील ख़त्म हो जाती है। तो जिस दिन आप यूज़ करो ना, उसी दिन इनके ये प्लास्टिक वगैरह रिमूव करना। ये देखेंगे आप, इसे आप एज अ हैंडबैग भी यूज़ कर सकते हो, इसे आप एज अ स्लिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो। कलर ऑप्शंस आपको इनमें बहुत मिल जाएंगे। ये आप देखिए इसकी लुक, स्पेस में कहीं कमी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक पार्टीशन यहाँ पर मिलता है, एक पार्टीशन फ्रंट में मिलता है, बीच में आपको जिप वाला पार्टीशन मिलता है। स्लिंग तक इसकी काफ़ी अच्छे से रैप होकर आई है, और इसमें आपको डबल स्लिंग का ऑप्शन मिलता है। एक तो सिंपल बैग के कलर की मिलती है, दूसरी थोड़ी सी फंकी सी मिलती है। ये आप देखिए प्रिंट हो रखा है, और इस साइड आप देखेंगे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसकी लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ये वाली जो है ये एडजस्टेबल नहीं है, ये वाली जो स्लिंग है इसके साथ आती है ये एडजस्टेबल है। इसका मैं स्पेस आपको दिखा देती हूँ, और ये क्या बढ़िया पैकिंग होकर आते हैं यार। जो ये हैंडबैग्स होते हैं ना थोड़े से लग्जूरियस वाले, ये बहुत अच्छे से पैक होकर आते हैं, और इसका वज़न यार बहुत है। मतलब ये सिंपल वो स्लिंग बैग की तरह नहीं है जो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, नहीं, इसका तो मतलब जब आप उठाओगे ना तो आपको फील होगा कि यार इसमें ऐसी चीज़ यूज़ करी गई है। इसका जो यू वो है ना फैब्रिक, ये ऐसा है कि वज़नदार, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार वाला, नहीं। नीचे से आप इसकी शेप देखोगे, मैं दबा रही हूँ पर ये दबेगी नहीं, बहुत सही क्वालिटी है इनकी, डेफिनेटली आप ट्राई करना। सेकंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये होने वाला है पिस्ता ग्रीन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में। मुझे वाइट कलर के स्लिंग बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है। मैं आपको इसका अंदर पार्टीशन दिखाती हूँ, इसमें भी आगे भी आपको पार्टीशन मिलता है, बैक साइड पर नहीं है। सेंटर में आपको मिलती है जिप, इसमें आपको एक वाइट कलर का ही स्लिंग मिलता है एडजस्टेबल वाला, और बीच में आपको पार्टीशन मिल जाता है जिसमें आपको एक पॉकेट भी मिलती है। लुक इन बैग्स की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपने साड़ी पहनी हो, आपने सूट पहना हो, आपने ड्रेस पहनी हो, आपने जीन्स पहनी हो, सबके साथ आप इसे यूज़ कर सकते हो। और साइज़ इतना परफेक्ट है ना कि आप इसे शोल्डर बैग की तरह यूज़ करो, चाहे मेरी तरह स्लिंग बैग की तरह यूज़ करो, ये दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट शेयर करती हूँ यार, इसका कलर मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा। ये आप देखो, ये एलन सोली ब्रांड का ही होने वाला है। शुरू में 4 मिनट 5 मिनट मुझे लग गए थे कि ये खुलेगा कैसे, सिर्फ यही सोचने के लिए। यहाँ से फिर तुक्का लगाया मैंने और फिर इसे दबा दुबू के खोला। अभी भी मैं भूल गई हूँ क्योंकि इसे आए हुए 4-5 दिन हो गए। इसे आपने, मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले मुझे लग रहा था ये दबा के खुलेगा, फिर मैंने सोचा ये उठा के खुलेगा, नहीं, इसे सिर्फ आपने ट्विस्ट करना है इस तरीके से और ऊपर का ये खींचना है, ये खुल जाएगा। बस ज़्यादा मेहनत नहीं करिएगा। सिंपल बैग है बट इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी, और ये स्पेशियस भी ज़्यादा है पहले वालों से। ये आप देखो इसका स्पेस, पीछे की तरफ आपको जिप मिलती है, फ्रंट में आपको कार्ड रखने की जगह मिल जाती है। इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको ब्राउन कलर पसंद आता ना तो आप इसे ट्राई करना। इसमें आपको स्लिंग लगी हुई मिलती है, एडजस्टेबल है ये, और
आधे में आपको चेन लगी हुई मिलती है जो पूरी प्लास्टिक से कवर है, तो जिस दिन यूज़ करूँगी उसी दिन इसे रिमूव करूँगी ताकि वो नई वाली फील आए। इसकी लुक बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, ये तो ड्रेसेस के साथ, जीन्स के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा लगेगा। बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, बैक साइड में इनमें पॉकेट्स नहीं है, इसे बंद कर देती हूँ। लुक आप इसकी देखो, बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा क्लासी लुक है इनकी। ब्लैक की डिटेलिंग आपको मिलती है, एक भी धागा वगैरह आपको निकला हुआ नहीं मिलेगा, ये इतनी ज़्यादा क्वालिटी इनकी मुझे अच्छी लगी है। नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ, अगर आपको प्लेन ब्लैक कलर पसंद आता है तो आप ये वाला बैग ट्राई कर सकते हो। जो भी बैग मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उस पर क्लिक करके तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इन सबके लिंक दे दूंगी, उस पर जब आप क्लिक करोगे ना वहाँ पर कलर ऑप्शन आपको और मिल जाएंगे। मैंने तो वो मंगवाया जो मुझे अच्छे लग रहे थे, आपको और कोई देखना हो कलर तो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ये वाला ब्लैक है, इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस और मिल जाएंगे। ये तो आई थिंक इसी वाले का कलर है, एक मैंने जो मंगवाया ना, ये तो इसी का कलर है, तो आपको और कलर भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ब्लैक और वाइट का बहुत ही प्यारा डेडली कॉम्बिनेशन सा मुझे लगा ये, जिसमें गोल्डन का टच है। वरना क्या होता है, ब्लैक के साथ ना मेटालिक जो होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, गोल्डन वाले कम दिखते हैं। इसमें भी आपको एज ए हैंडबैग के लिए ये मिलता है, और इसे आप तभी उतारिएगा जब यूज़ करोगे। और इसके साथ आपको मिलती है डबल स्लिंग, ये आप देखो, ये तो हो गई एडजस्टेबल वाली। दूसरी आपको मिलती है फैब्रिक वाली, एडजस्ट इसे भी आप कर सकते हैं, इस वाले की भी एडजस्टेबल होगी फिर तो, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं इस वाले में एडजस्टेबल नहीं है। इस वाले के साथ आपको ये एडजस्टेबल के लिए ऑप्शन मिल जाता है, इसे एडजस्ट करने के लिए। एक साइड से प्रिंटेड है, एक साइड से फ्लोरल प्रिंट है। लुक इस बैग की बहुत अच्छी है, और मैं आपको इसका स्पेस भी दिखा देती हूँ। ये आप देखो इसका स्पेस, फ्रंट में आपको कार्ड वार्ड रखने की जगह मिल जाती है, पॉकेट इसके अंदर नहीं है, जिप वाला ही आपको पार्टीशन मिलता है। और मैं आपको दिखा दूँ इसको, इसमें आपको आगे भी एक पार्टीशन मिलता है इस तरीके से सामान रखने के लिए, और पीछे की तरफ भी आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। ब्यूटीफुल क्वालिटी है ये, आप देखो ये बिल्कुल नहीं अपनी जगह से हिल रहे हैं। तो आई थिंक मैंने आपको सारे बैग दिखा दिए, नहीं एक बचा है, ये एक ब्लैक कलर का होने वाला है जिसमें आपको थ्रेड वर्क की डिटेलिंग मिलती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ आपको स्लिंग मिलती है दोनों, सबसे पहली तो ये होने वाली है, ये थोड़ा सा ना पिकॉक कलर की प्रिंट के साथ मिलती है, ये एडजस्टेबल है, ये आप देखेंगे ये एडजस्टेबल है। सेकंड जो आपको मिलती है वो नहीं, सेकंड आपको नहीं मिलती है, आपको यही मिलती है, मुझे लगा अंदर एक और रखी हुई है, नहीं इसमें आपको दो पार्टीशंस मिलते हैं। इसमें आपको यही स्लिंग मिलती है, ये आपने यहाँ लगा लेनी है, तो आप इसे चाहो तो एज अ हैंडबैग भी यूज़ कर सकते हो और एज अ शोल्डर बैग भी यूज़ कर सकते हो। 6 के 6 बैग के लिंक मैं आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई करना चाहो तो ट्राई ज़रूर करना। और किस टाइप के बैग का रिव्यू आप देखना चाहते हो, या किसी स्पेशल टाइप की वीडियो आप देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।